स्मृति ईरानी, जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक ठोक कर कहते थे महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं। अरे भाई, उस समय 400 रुपए में सिलेंडर आता था, आज सिलेंडर जो है 800 के करीब पहुंचा दिया आपने। पेट्रोल 45-46 रुपए आता था, आज 70 रुपए के नजदीक हो गया है। 68 रुपए डीजल आ रहा है। पीएनजी गैस के रेट क्या बढ़ाए आपने? पिछले एक साल का डाटा आप गूगल से उठाइए, गैस के रेट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कभी 56 रुपए, कभी 100 रुपए, अभी 19 रुपए बढ़ा दिया है। ये जो है डायरेक्ट हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार है और एक सीधा सीधा उनके ऊपर हमला है। ये हमारी गृहणियों के लिए जो है एक प्रकार से अभिशाप साबित हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री ये झूठे वादे देकर आप लोगों के समक्ष आया था, लेकिन अब भारत की जनता जाग चुकी है। अब देखिए कहां ये छाती ठोक के कहता था कि मैं भारत जो है कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, आज किस कगार पर खुद आ गया है कि कुछ ही स्टेटों में, चंद स्टेटों में बचा है। जहां जहां इलेक्शन होते जाएंगे ये बीजेपी मुक्त स्टेटें होती चली जाएंगी। क्या कहना चाहोगे? प्याज के रेट भी बढ़ने, दूध भी बढ़ गया, गैस एलपीजी भी बढ़ गई है। भाई आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। दूध, प्याज, आलू सब महंगा, टमाटर कुछ भी ले लो, इतनी महंगाई। कांग्रेस के टाइम में कभी भी इतनी महंगाई नहीं थी जितना अब आम आदमी परेशान हो रहा है। मोदी जी को शर्म करनी चाहिए कि हर रोज एक न एक वो ऐसा बोल देते हैं जिसे आम आदमी इतना परेशान है कि बेचारा मरने को बेताब हो रहा है। एक गरीब आदमी प्याज नहीं खा सकता। आप एक महिला किचन में काम करती है, कितनी दिक्कतें आती हैं जब महंगाई बढ़ती है? अब भैया बजट ही खराब हो गया, हर बजट खराब हो गया है। आदमी कमाते हैं, घर नहीं चल पाता है। जिसके दो बच्चे हैं वो भी भूखे हैं, जिसके पांच हैं वो भी भूखे हैं। आज के टाइम कुछ नहीं है, आज के टाइम सिर्फ महंगाई, चूल्हा नहीं चल रहा किसी का। गरीब आदमी तो परेशान है, बड़े भी परेशान ही है। नहीं कम, हर तरफ मंदी मंदी है। पहले देश के बच्चे कामकाज सी थे, आज के सब बेरोजगार हैं, सब नशे पते कर रहे हैं। किसके कारण? मोदी जी के कारण। क्या क्या कहना चाहोगे? स्मृति ईरानी पहले जब महंगाई बढ़ी थी तो वो आती थी, उस टाइम में स्मृति ईरानी प्याज डाल के घूमती थी, आज कहाँ गई? आज कहाँ गई जब हर एक महिला परेशान है, हर एक घर परेशान है? आज स्मृति ईरानी कहाँ सो गई है? हम सबकी क्यों नहीं सुन रही है वो? जब तो बड़े मटके उठा उठा के फोड़ती थी, अब कहाँ चले गए वो मटके? मटकों का दाम देख लो, 200 रुपए का मटका हो रहा है, अब कहाँ गए? सस्ते हो गए मटके। पहले प्याज हम इतना करेंगे, अब 100 से भी ऊपर, 150 रुपए किलो प्याज कोई खा रहा है आज के टाइम में? सिर्फ मंडी बेचने वाला ही परेशान है, लेने वाला ही परेशान है। कहीं भी जा लो बहुत बुरा हाल हो चुका है। और जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसमें हमारा कभी भी कोई गरीब आदमी परेशान नहीं था। क्यों आप यहाँ पर आए? जो गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ाए हैं मोदी ने, तो ये एक जुल्म है औरतों पे। और प्याज के दाम आसमान पे छू गए। औरतों की कोई यहाँ पे कोई मतलब सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए। बच्चों पे कितना जुल्म हो रहा है जामिया में। ये सारे मुद्दे हैं, ये परेशान कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है कंट्रोल। कहाँ हुई है? आपको लगता है कंट्रोल हुई है? हम सब परेशान हैं। लेकिन 2014 से पहले तो बीजेपी को महंगाई के लिए, आप देखिए कहाँ पहुँच गए हैं। 10.8 था और 4.8 पे आ गए हैं। जीडीपी कहाँ आ गया है? चाय बेचने से जीडीपी नहीं, इसकी समझ होनी चाहिए। कि जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट की थी 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों का ऐसा कुछ सोचना था कि एक ऐसी फैमिली से आए हैं और इनको गरीब की दुख और दर्द का मालूम है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद उनको मतलब इच्छा शक्ति कैसे चेंज हो गई कि आज पूरे भारतवर्ष का जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज़मर्रा की चीज़ यूज करते हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो दूध है, चाहे वो और दूसरी चीज़ें हैं, और चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह से रोज़मर्रा की जो चीज़ यूज होने में की चीज़ें हैं, वो इस तरह इस भयंकर स्थिति में है कि आज इतनी महंगाई चरम सीमा पर छू गई है। एक आम आदमी को अपना रहना बड़ा
मजबूर हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बेरोजगार की, बेरोजगार में अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो करीब यहाँ 10 लाख लोग बाहर माइग्रेटेड लोग हैं, जो एक लेबर हैं या दूसरे लोग या हाथ के काशकार हैं कुछ, जो अपना ये काम करते हैं वो आज ऑलमोस्ट सब यहाँ से पलायन कर चुके और इस स्थिति में वो चले गए, भूखे मरने की स्थिति में है। उनके लिए कोई रोजगार अगर हम बात करें 6 साल की, मैं समझता हूँ कि 2 लाख भी रोजगार अभी तक किसी भी युवा को, हम ये नहीं कह रहे क्या है, युवा वर्ग को जो आज सफर कर रहा है यहाँ पर इस देश में, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो इतने डाउन पहुँच चुकी है और जब भी कोई ऐसी बात होती है उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बवंडर कर दिया जाता है जिसमें लोग उसी में फंस के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, उन्हें रोजगार जैसी चीज़, महंगाई जैसी चीज़ और दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ है वो सब नगण्य हो जाती है। बड़े दुख की बात है कि एक जो स्थिति इस देश में, आज किसान मर रहा है, आज मजदूर मर रहा है, ब्यूरोक्रेट दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, तो फिर सुखी कौन है, किसके लिए ये काम हो रहा है, डेवलपमेंट कहाँ गया, तो कौन सा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से होता है कि जब जिस देश में किसी व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को रोजी रोटी मिले, खाने का प्रॉब्लम मिले, सिस्टम बने, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, वही डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट कहीं पता नहीं स्पेस में है, कहाँ है, तो बड़े दुख की बात है। और इनको संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों का, रोजगार और महंगाई से निजात पाने के लिए आम आदमी को इन्हें काम करना चाहिए, ताकि ये देश 80% देश गांव देहात में रहता है उसका इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।